दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जिनके पास अपनी कोई भी सेना नहीं है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने सुरक्षा के लिए सेना से अधिक पुलिस पर भरोसा जताया है और विश्व भर में शांति का संदेश दिया है। नंबर एक, कोस्टा रिका। मध्य अमेरिका में निकारागुआ और पनामा के बीच स्थित कोस्टा रिका के पास वर्ष 1948 से पहले अपनी सेना थी, लेकिन 1948 में हुए गृह युद्ध के बाद यहाँ सेना को हटा दिया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश काफ़ी छोटा है जिसके पास अपनी सेना नहीं है। आंतरिक सुरक्षा के लिए यह देश पूरी तरह पुलिस प्रशासन पर निर्भर है। नंबर दो, पनामा। इस लैटिन अमेरिकी देश में वर्ष 1990 में सेना का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहाँ की पुलिस पर है। नंबर तीन, हैती। हैती में सेना ने कई बार निर्वाचित सरकार की सत्ता पलटकर कब्जा जमा लिया था। दर्जनों बार यहां सैन्य शासन रहा, यही वजह है कि वर्ष 1995 में यहां सेना का प्रावधान खत्म कर दिया गया। हालांकि यहां एक बार फिर सेना को बनाए जाने की मांग उठ रही है। नंबर चार, समोआ। समोआ 1962 में न्यूजीलैंड की गुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ादी के 54 साल बाद भी इस देश के पास अपनी सेना नहीं है। समोआ एक शांतिप्रिय देश है और इनका काम पुलिस से ही चल जाता है। हालांकि न्यूजीलैंड ने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो इस देश की मदद के लिए आगे आएगा। इस देश का क्षेत्रफल 2842 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। नंबर पाँच, सोलोमन आइलैंड। यह देश कई द्वीपों का समूह है। सोलोमन आइलैंड 1893 तक ब्रिटेन के संरक्षण में था। इस देश की पहली सरकार 1976 में बनी जो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। यहाँ जातीय संघर्ष और आपराधिक मामलों के चलते विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना बढ़ चुका था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मध्यस्थता करके शांति बनानी पड़ी। अब ऑस्ट्रेलिया इस देश की देखरेख कर रहा है। सोलोमन आइलैंड 28,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर छः, एंडोरा। यूरोप में स्थित ये देश 1276 में बना। इस देश की मदद के लिए स्पेन और फ्रांस हमेशा सक्रिय रहे हैं। यह देश टैक्स बचाने वाले देशों में स्वर्ग माना जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहता है उसके पास खुद का हथियार होना चाहिए। एंडोरा कुल 467.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर सात, ग्रेनेडा। ग्रेनेडा एक बार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का हमला झेल चुका है। ये हमला तत्कालीन सरकार और सेना के विवाद के कारण हुआ था। हमले के बाद ग्रेनेडा लोकतांत्रिक देश बन गया। इस देश की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है। यह देश 348 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर आठ, मार्शल आइलैंड। यह देश 1983 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसे आज भी अमेरिका का ही हिस्सा माना जाता है। इस देश पर हमला करना मतलब सीधे अमेरिका पर हमला करना है। मार्शल आइलैंड के पास भी अपनी सेना नहीं है और ज़्यादातर यह देश अमेरिका पर ही निर्भर रहता है। यह देश 181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर नौ, लिंचटेनस्टाइन। ये देश उन देशों की लिस्ट में है जिन्हें सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती। एस्ट्रो पर्शियन वार के बाद इस देश ने अपनी सेना तैयार की थी, लेकिन ज़्यादा खर्च के चलते इसे ख़त्म कर दिया गया क्योंकि देश इस खर्च को झेल पाने की स्थिति में नहीं था। सेना की गैर मौजूदगी में यहाँ की पुलिस ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालती है। इसका कुल क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 10, नारू। प्रशांत महासागर में स्थित नारू दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका क्षेत्रफल मात्र 21 वर्ग किलोमीटर है। इस कारण से यहाँ पर सेना नहीं है बल्कि पुलिस के जिम्मे ही सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया इस देश की मदद करता है। नंबर 11, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इस देश का क्षेत्रफल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 840 है और इसके पास भी अपनी सेना नहीं है। नंबर 12, पलाऊ। पलाऊ के पास भी अपनी सेना नहीं है। यह देश भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स पर निर्भर है। ऐसे में हमला होने की स्थिति में उसकी मदद को सबसे पहले अमेरिका ही आता है। 1983 में हुए एक समझौते के तहत अमेरिका पलाऊ को हर स्थिति में सैन्य मदद देता है। इसका कुल क्षेत्रफल 465 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।